पीएम मोदी के जन्मदिन पर सड़क के गड्ढे पाटकर भाजपाइयों ने किया श्रमदान। कहा, कांग्रेस सरकार की नाकामियों के कारण सड़क में चल रहे राहगीर हो रहे हैं परेशान। एक तरफ पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा सहित विभिन्न संगठनों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दुर्ग शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन श्रमदान कर मनाया। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के मध्य में गुजरने वाली सड़क पर हुए गड्ढों को भरने, हाथों में फावड़ा बेलचा लेकर गड्ढा भरने श्रमदान किया। गौरतलब है कि सड़क पाट रहे भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस विधायक अरुण वोरा की नाकामियों को गिनाते हुए शहर के विभिन्न सड़कों में हुए बड़े बड़े गड्ढे और बारिश में पानी भरे होने के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्रमदान कर जन्मदिन मनाया। इसी कड़ी में वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद्य बकायदा एक लेबर की मानिंद सर पर घमेला बोकर डस्ट से सड़क के गड्ढों को पाटते नजर आए। इस अवसर पर पूर्व सभापति दिनेश देवांगन, गजेंद्र यादव, आसिफ अली, काशीराम कोचरे, चंद्रशेखर चंद्राकर, गायत्री साहू, नरेंद्र चंदेल, अनूप सोनी सहित अन्य शामिल हुए। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम देख रहे हैं कि दुर्ग शहर में विकास कितना पिछड़ गया है। ये मुख्य मार्ग पटेल चौक से लेकर जो स्टेशन रोड है, यहाँ जगह जगह गड्ढे थे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन श्रमेय जयते के रूप में मनाते हुए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चंडी शीतला मंडल और युवा मोर्चा के जितने साथी हैं, सब ने मिलकर श्रमदान किया है। फरिश्ता कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर ये जो मुख्य मार्ग है और वहाँ पोलसापारा चौक, यहाँ पर बहुत गड्ढे थे, रोज दुर्घटना होती थी, तो इसके लिए हम लोग लगातार नगर निगम प्रशासन, विधायक, महापौर सबको मांग किए हैं, लेकिन लगता है लोगों के कानों में जू नहीं रह गए हैं। इसलिए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने स्वयं के संसाधन से डस्ट और बजरी की व्यवस्था की है और खुद आज रापा फावड़ा लेकर सब हमारे पार्षद साथियों के साथ उतर गए। हम लोगों ने गड्ढा भरने का प्रयास किया। यद्यपि पूरे शहर में बहुत जगह हजारों गड्ढे हैं, इतने सारे गड्ढा पाटना हमारे लिए संभव नहीं है, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया और प्रशासन को ये मांग कर रहे हैं कि वे शीघ्र ही गड्ढा भरने की कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। सरकार जागती तो जनता सोती है, हमारी कांग्रेस सरकार जागती नहीं, वो दिन भर सोती है और सो करके अपना जेब भरती है। आज ये मुख्य मार्ग है मेरे शहर का, इंदिरा मार्केट से लेकर के स्टेशन तक इतने गड्ढे और ये हैं। मैंने पहले भी इसकी सूचना दिया था हमारे महापौर जी को, विधायक महोदय जी को, किसी ने सुना नहीं, इसलिए आज मजबूर होकर के हम सभी पार्षद साथी वो हमारे चंडी शीतला मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ में आज यहाँ के जितना भी गड्ढे हैं वो भरे हैं। हम समझते हैं कि ये उनकी नकेल खींचने के लिए बहुत होगा, अगर होश आता है उनको तो काम करें, नहीं तो इस साल जनता और हम दिखा देंगे कि जनता जाग गई है और उनको इस 2024 के चुनाव में दिख जाएगा, जनता के वोट से उनको समझ में आ जाएगा कि कभी भी किसी का भी एक छत्र राज नहीं चलता। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।